हेलो डियर एस्पिरेंट्स तो चलिए एक बहुत ही गजब के टॉपिक पे आते हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम अब देखिए यूपीएससी पी एस के फुल कोर्स का पार्ट है नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए तो जो मेरी कोशिश है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तो सारे डाल ही डू एटलीस्ट ओके सो ये हमारा चल रहा है अब देखिए क्या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ ओके सो आई हैव अपियर फॉर फाइव प्रिलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर दैम ऑल ओके आई हैव क्लियर थ्री मेन्स एंड गिवन थ्री इंटरव्यूज एंड फाइनली यूपीएससी ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और राइट तो सी सार्ट में देखिए माई परफॉर्मेंस वॉज ऑलवेज गुड एंड आई अंडरस्टैंड द पेपर वेरी क्लियरली सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम टीचिंग यू नाउ लेट्स बिगिन आप 12 से डिवाइड करिए और ये बताइए कि रिमेंडर क्या है ओके okay. तो क्या होगा तो जनरल प्रोसेस क्या होगा कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ये ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे एंड देन आप उसका रिमाइंडर निकालेंगे ओके बट सी इससे आसान एक तरीका है right. इससे आसान क्या तरीका है रिमाइंडर थ्योरम में करने का आपको ट्वेल्व प्लस फाइव लिख सकते हैं ओके मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी थ्री को क्या लिखा जा सकता है ट्वेल्व प्लस इलेवन लिखा जा सकता है अब इसको ट्वेल्व से डिवाइड करके देखिए सो so बेसिकली यहाँ पे हमको मिलेगा क्या ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व प्लस फाइव इंटू टू इलेवन 5 इंटू इलेवन ओके अब देखिए आप इसको 12 से डिवाइड करिए तो अगर आप ये 12 इंटू ट्वेल्व को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा 5 इंटू ट्वेल्व को आप 12 से डिवाइड करोगे सो 12 एक फैक्टर है तो रिमाइंडर अगेन जीरो मिलेगा क्वेश्चन आपको 5 मिलेगा 12 11 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा आपको कोशेंट 11 मिलेगा बट 5 11 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो देन डेफिनेटली आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा ओके okay. सो so, वो रिमाइंडर क्या होगा ऑलराइट सो अब देखिए ये 55 12 है आपको पता है 12 4 0, 48 ओके okay. Uh, उसके बाद यू ट्वेल्वी फोर्टी एट को अगर आप फिफ्टी फाइव को फोर्टी एट से माइनस कर लेते हैं तो आपको रिमाइंडर सेवन मिल जाएगा ओके सो सेवन इज योर रिमाइंडर सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ़ फाइन देखिए ये तो हमें पता चल गया यहाँ से कि रिमाइंडर एक्चुअली हमें किस पार्ट का निकालना होता है वही पार्ट जो कि डिविजिबल नहीं होगा ओके okay, सो so इस तरीके से हम कर सकते हैं अब देखिए अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं ओके सो लेट से कि हमें ये 1421, ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री एंड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को 12 से डिवाइड करना है अब हम कर क्या सकते हैं ओके यहाँ पे सो so देखिए एक तो ये फोर्टीन ट्वेंटी वन है ये है फोर्टीन ट्वेंटी थ्री एंड ये है फोर्टीन ट्वेंटी फाइव इसको ट्वेल्व से डिवाइड करना है ओके okay. अब देखिए ऑब्वियसली कोई मल्टीपल होगा ट्वेल्व का ट्वेल्व इंटू समथिंग प्लस कुछ बचेगा वही रिमाइंडर होगा ओके okay. क्योंकि ये तो ट्वेल्व से काफी बार चला जाएगा सो so, अगर आपको याद हो ट्वेल्व का स्क्वायर वो होता है वन फोर्टी फोर तो अगर ट्वेल्व इंटू वन ट्वेंटी कर देंगे तो वन फोर फोर जीरो हो जाएगा ओके बट देखिए ये फोर्टीन ट्वेंटी वन है तो इससे पीछे चले जाते हैं तो अगर इससे एक ट्वेल्व हम माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा सो so, अगर आप इससे एक ट्वेल्व माइनस करेंगे सो दिस विल बिकम एट दिस विल बिकम ट्वेंटी ट्वेंटी Uh, देखिए ये 14, हो गया मैं क्या करती हूँ इससे और 12 कर तो ये क्या हो जाता है हो हो जाता है. Okay. 14, हो जाता है है अब देखिए मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकती हूँ अगर देखिए मैं ट्वेल्व को डिवाइड करूंगी फोर्टीन ट्वेंटी वन से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ऑब्वियसली फोर्टीन सिक्सटीन है ट्वेल्व इंटू आई थिंक हंड्रेड एंड एटीन ओके Uh, 4, 1, 4, 1, मिलेगा आपको ट्वेल्व इंटू हंड्रेड एंड एटीन तो ये 14, को अगर आप डिवाइड करोगे ट्वेल्व से तो आपको रिमाइंडर एक्चुअली क्या मिलेगा 5 मिलेगा बिकॉज यहाँ पे प्लस फाइव और ऐड कर दोगे ओके सो प्लस फाइव ज्यादा है तो फाइव लिख लेते हैं इसी तरीके से फोर्टीन ट्वेंटी थ्री है ओके तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको सेवन मिलता है और फोर्टीन ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा

इलेवन uh, मिलेगा बिकॉज ट्वेल्व इंटू टू इज ट्वेंटी फोर एंड आपका इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो इलेवन रिमाइंडर मिलता है अब ये नाइन्टी नाइन हो जाता है अब ये जब 99 नाइन बाई ट्वेल्व हो जाएगा ओके सो यू नो टाइम्स इज नाइन्टी सिक्स ओके 12 एट टाइम्स इज नाइंटी सिक्स तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचा रह जाता है थ्री बचा रह जाता है ओके सो थ्री इज योर रिमाइंडर तो अभी आप देखिए काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस है ओके क्योंकि मैं आपको समझा समझा के बता रही हूँ इसलिए ये प्रोसेस लॉन्ग लग रहा है बट ये है शॉर्ट प्रोसेस तो इस तरीके से आप इनका रिमाइंडर निकाल सकते हैं आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, अब देखिए मैं कहती हूँ कि एक नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं जो कि कभी कभी रिमाइंडर निकालने में आसानी देगा तो अगर आप देखिए ये 14 डिवाइडेड है। ओके okay, 14 इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट है तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ये फोर्टीन डिवाइडेड बाई एट करोगे सो यू नो एट वन टाइम्स इज एट तो आपका रिमाइंडर सिक्स आ जाएगा डिड करोगे तो यह आपका सेवन आ जाएगा एंड यू है अब देखिये मैं आपको कहती हूँ की यहाँ पे हम एक नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते okay? अब देखिये क्या है एट इंटू टू सिक्सटीन होता है हमें पता है ओके okay, अब ये 14 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आई विल से कि ये माइनस 2 रिमाइंडर हो रहा है माइनस 2 क्यों रिमाइंडर हो रहा है बिकॉज़ देखिए जब बढ़ जाता है लेट्स से 18 को आप uh, 8 से डिवाइड करोगे तो आपको प्लस 2 रिमाइंडर आएगा बिकॉज़ 8 2 0, 16 प्लस 2 और कर लेते तो 18 मिल जाता इसी तरीके से मैं कह रही हूं कि अगर आप 14 को डिवाइड करोगे तो 16 है तो माइनस टू रिमाइंडर हो जाएगा ओके तो मतलब इसका परफेक्ट मल्टीपल बनने से वो कितना कम रह गया उतना हम माइनस करके लिख देंगे ओके तो ये माइनस टू रिमाइंडर हो जाएगा लेकिन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होते रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और वो हमेशा क्या होगा अच्छा आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो एट से कम आएगा ओके जो भी रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा आपका एट से कम आएगा ये भी हमारा थ्योरम है अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप पुराने वीडियोस जा करके देख सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे समझा दिए गए ओके तो ये माइनस टू हमको मिल जाता है यहाँ पे चलिए अब देखो बेसिकली करते क्या है इसको नेगेटिव रिमाइंडर से करने की कोशिश करते हैं तो फोर्टीन इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या आएगा फोर्टीन करेंगे तो माइनस टू और फिफ्टीन का क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा तो ये आ गया टू बाई एट एंड दिस इज ओनली द रिमाइंडर अब तो ये फर्दर डिविजिबल है ही नहीं ओके सो टू इज ओनली द रिमाइंडर सो दिस बिकम सो इजी बाय यूजिंग नेगेटिव रिमाइंडर ये मेथड्स क्या है ना बहुत ही ईजी हो जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब देखिए ये आपका है सिक्सटी टू इंटू सिक्सटी थ्री इंटू सिक्सटी फोर अगर इसको ही हम नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से करें तो देखिए कितना आसान हो जाएगा ये 66 है तो 62 66 का मल्टीपल बन जाए यानी कि एग्जैक्ट 66 बन जाए इसके लिए 4 बस बच गया तो हम -4 रिमाइंडर लिख लेंगे कि 63 जो है ये इसका एग्जैक्ट मल्टीपल बन जाता उसके लिए -3 बच गया और 64 66 का एग्जैक्ट मल्टीपल बच जाता इसके लिए -2 रिमाइंडर बच गया ओके okay? -2 रिमाइंडर बच गया सो दिस डिवाइडेड बाय 66 अब ये आया कितना है -24 लेकिन हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करते क्या हो आप ये जो डिनोमिनेटर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 66 सिक्स कर दोगे तो आपका 42 आ जाएगा यही आपका रिमाइंडर है ओके दिस इज योर एग्जैक्ट रिमाइंडर जो आप पॉजिटिव रिमाइंडर चाह जाना चाह रहे हो तो अगर मान लीजिए आपका माइनस वन रिमाइंडर आ रहा है आपने एक्स को सेवन से डिवाइड किया आपका माइनस वन रिमाइंडर आ गया ओके okay? तो रिमाइंडर एक्चुअली है क्या सिक्स ओके okay. और या फिर अगर सिक्स रिमाइंडर है तो सिक्स रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है माइनस वन रिमाइंडर के बराबर है ओके okay. तो इसको समझिए आप देखिए ये रिमाइंडर हमने कितनी आसानी से निकाल लिया अगर आप यही पॉजिटिव बना करके ये रिमाइंडर निकालने को जाते ना इसको पॉजिटिव बना करके हम इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं ओके okay. तो एक्चुअली क्या आएगा रिमाइंडर देखिए क्या है एक तो आप 66 को 62 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो आपका 62 ही रिमाइंडर आएगा ओके okay, तो ये डायरेक्टली तो निकलता नहीं है बट चलिए इसको कैंसिल आउट करके अगर हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो की जा सकती है सो सिक्सटी टू इंटू सिक्सटी थ्री इंटू डिवाइडेड बाई सिक्सटी सिक्स अब आप देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर से कितना लंबा पड़ेगा Uh, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं ये थर्टी हो जाएगा ये थर्टी थ्री टाइम्स हो जाएगा ये थ्री क्या हो जाएगा ट्वेंटी इलेवन टी फोर डिवाइडेड बाई इलेवन ओके तो ये रिमाइंडर है आपका और राइट right. uh, मतलब अब हमको आगे का रिमाइंडर इससे निकालना है बट आप एक चीज यहाँ पे याद रखिए क्योंकि हमने ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमने हमारा इलेवन बचा सिक्सटी सिक्स इलेवन बचा तो हमने इसको एक्चुअली क्या कर दिया है सिक्स से डिवाइड कर दिया है तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप रिमाइंडर आपका इस टर्म का जो भी आएगा ना आप उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको असली रिमाइंडर मिलेगा ओके अब देखिए यहाँ पे आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए पॉजिटिव मेथड से ही निकालते हैं ओके पॉजिटिव रिमाइंडर के मेथड से सो so 11 को आप 31 से जब डिवाइड 31 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर एक्चुअली क्या बचेगा, बचेगा. Because 9 बचेगा बिकॉज 22 टू प्लस नाइन इज थर्टी ओके

81 को 11 से तो ऑबली तो ये ये आप तो आपका सेवन रिमाइंडर बचेगा क्यों बिकॉज इलेवन इंटू थ्री थर्टी थ्री फोर्टी माइनस थर्टी थ्री सेवन तो आपका सेवन रिमाइंडर बचता है बट मैंने आपको पहले बोला है क्योंकि हमने ये डिनोमिनेटर कम कर दिया है सिक्सटी सिक्स से तो आपको क्या है

कंप्लीट मल्टीपल है अगर उससे बहुत पास में मिल जाए तो हम नेगेटिव रिमाइंड का यूज करके कर सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरिया अगर आपका पॉजिटिव पास है तो तो आप उस मेथड से कर लीजिए दैट विल बी इजी फॉर यू ओके सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन चलिए अब देखिए क्या है एक्चुअली कि अगर आपको बहुत ही लार्ज पावर दे दी हुई है सो फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया है नंबर थर्टी सेवन टू पावर One, two, six, three, five, divided by nine. अब आपको इसका रिमेंडर निकालना है. है है. तो 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 आप कैसे निकालेंगे? Because this is too much, है ना? ये तो पावर बहुत ही ज्यादा तो अगर कोई भी नंबर के फॉर्म में होता है ओके okay? सो so अगर देखिए है, तो यू नो नाइन फोर थर्टी सिक्स एंड प्लस वन इज थर्टी सेवन सो दिस इज एक्स प्लस वन के फॉर्म में एंड ये ए नाइन है एंड आप इसका पावर कितना भी रेस कर दीजिए इसका रिमाइंडर वन आएगा ओके सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई नंबर ए एक्स प्लस वन टू द पावर एन के फॉर्म में है एंड आपको उसमें ए से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर वन आएगा बिल्कुल इसका ऑपोजिट अप्रोच भी है क्या ए एक्स माइनस वन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो जैसे थर्टी वन ले लीजिए ओके तो अगर आपको पता है थर्टी वन को एट से डिवाइड करना है और इसकी पावर हमने एकदम इन्फाइनाइट टाइप की चढ़ा दी है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा तो देखिए एट से जब डिवाइड करना है तो यू नो एट फोर थर्टी टू रख नहीं सकते तो उसको ए माइनस वन यानी कि एट माइनस वन हमारा सेवन रिमाइंडर आ जाएगा ओके okay, अब देखिये हर नंबर ए एक्स प्लस वन के फॉर्म में नहीं होता है या हर नंबर माइनस वन के फॉर्म में नहीं होता है तो बाकी क्या कर सकते हैं हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं और अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा हम बत आप तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा फोर थ्री ट्वेल्व तो आपका प्लस टू रिमाइंडर आता है अब ये फोर्टीन क्या है सेवन बाई टू है आप सेवन बाई टू को डिवाइड करिए आपका रिमाइंडर वन आएगा ओके okay? तो देखिए अगर आप इसको कैंसिल आउट करके रिमाइंडर निकालेंगे ना आपका रिमाइंडर बदल जाता है तो बट आप क्या करेंगे जब आप कैंसिल आउट करते हैं ना तो जिस फैक्टर से आप कैंसिल आउट कर रहे हैं उसी फैक्टर से आप क्या करिए अपने रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर मिल जाएगा तो आपने सेवन बाई टू का रिमाइंडर निकाला आपको 14 by 4 का रिमाइंडर निकालना था तो आपको क्या करना है कि इसके रिमाइंडर में आपको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका सही रिमाइंडर मिल जाएगा ओके आई होप यू गेट दिस गेटीन बाई टू का जो सेवन बाई टू का जो रिमाइंडर है वो वन आएगा बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करते हो और वो टू से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर वो वन ही देता है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अब देखिए आगे बढ़ते हैं Uh, अब देखिए uh, इसका एप्लीकेशन क्या है ओके okay. uh, तो देखिए अगर हम लेट uh, से इसका एप्लीकेशन दूडें रिमाइंडर थ्योरम का काफ़ी सारे तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाते हैं बट फाइंडिंग द लास्ट टू डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम सो नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू लाइट फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आप ऑब्वियसली जब आपको लास्ट टू डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन की चाहिए आपको एटी नाइन के लास्ट टू डिजिट चाहिए तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा अः अगर आप लास्ट टू डिजिट इसके क्या है एटी नाइन होंगे तो अगर आप इसको हंड्रेड से डिवाइड कर रहे हैं तो हंड्रेड से डिवाइड कर रहे हैं आपका रिमाइंडर एटी नाइन आएगा तो ये लास्ट टू डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएंगे तो अगर कभी भी आपको बोला गया है कि लास्ट टू डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन बता दीजिए तो हंड्रेड से डिवाइड कर दीजिए अगर किसी एक्सप्रेशन का इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा कि लास्ट थ्री डिजिट का बता दीजिए तो आप वन थाउजेंड से कर दीजिए उसको डिवाइड अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो टेन से डिवाइड कर दीजिए ओके सो दिस इज वॉट यू कैन डू अब देखिए लास्ट टू डिजिट है तो हम इसको हंड्रेड से डिवाइड कर देते हैं हंड्रेड से डिवाइड करेंगे अब हमको क्या करना है इसका रिमाइंडर निकालना है तो आप देख रहे हैं हंड्रेड इनसे काफी काफी दूर है ओके तो यही अगर ट्वेंटी टू को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ट्वेंटी टू ही आएगा तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स डू वन थिंग हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो फोर इलेवन टाइम्स कर देते हैं फोर ट्वेंटी फाइव टाइम्स कर देते हैं अब देखिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने फोर के फैक्टर से कैंसिल आउट किया है तो जब हम आगे करेंगे हम फोर से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे ओके तो चलिए अब करते हैं अब ये ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी टू के साथ इसका रिमाइंडर क्या बनेगा माइनस थ्री ओके माइनस थ्री क्यों बिकॉज मेरे लिए तो आसान है काफी पास है एंड थर्टी वन को आप ट्वेंटी डिवाइड करेंगे आपका सिक्स रिमाइंडर आएगा इलेवन को आप 25 से डिवाइड करेंगे 11 ही रहने दीजिए 25 को आप 37 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा 12 आएगा ओके okay. बिकॉज़ 25 प्लस 12 इस 37 और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा अगर आप करेंगे सो so 50 माइनस 37 ओके okay. बिकॉज़ 25 इनटू 2 इज 50 50 माइनस 37 इज 13 तो लेट्स टेक ट्वेल्व ओनली क्यों जबरदस्ती है ना यहाँ पे आप करोगे प्लस टू आपका रिमाइंडर आएगा ट्वेंटी सेवन को टू से डिवाइड करोगे सॉरी ट्वेंटी आपका प्लस टू आएगा ये 43 का क्या किया जाए देखिए ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी अब फोर्टी थ्री फिफ्टी बनने में कितने से रह गया माइनस सेवन से ओके सो माइनस सेवन आपका रिमाइंडर रह जाएगा अब देखिए ये आपका इसको हमने ट्वेंटी फाइव से करना है तो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ओके okay? तो अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट रिमाइंडर्स फाइंड आउट सम मोर रिमाइंडर्स तो लेट्स डू समथिंग पे क्या करते हैं इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेट्स से इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो सेवन इंटू थ्री इज ट्वेंटी वन दिस इज सिक्सटी सिक्स ओके सिक्स इंटू इलेवन इज सिक्सटी सिक्स एंड ट्वेल्व इंटू टू इज़ ट्वेंटी फोर ओके डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप ये जो नंबर है ट्वेंटी वन इसको अगेन आप इसका रिमाइंडर निकालना चाहोगे ना तो क्या जाएगा? 4. Okay. आ जाएगा माइनस फोर ओके ये ट्वेंटी फाइव का अगर आप सिक्सटी सिक्स के साथ रिमाइंडर निकालना चाहेंगे दो तरीके से निकाल सकते हैं फिफ्टी के साथ अगर इसका रिमाइंडर देखेंगे तो प्लस सिक्सटीन आ जाएगा ओके एंड बट देखिए क्या है ना एंड 75. 75 9 तो मैं नाइन रिमाइंडर लिख लेती हूँ माइनस नाइन रिमाइंडर लिख लेती रिमाइंडर आ जाएगा माइनस वन तो अब रिमाइंडर क्या आ जाता है माइनस ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव आ रहा है okay. माइनस ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव आ रहा है बट आपको ये दिख रहा है ना कि जो माइनस है एक्चुअली वो क्या है ट्वेंट ये थर्टी सिक्स जो है वो ट्वेंटी फाइव से काफी बड़ा है ओके तो अब देखिए रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे तो देखिए क्या करते हैं वापस आ जाते हैं इसको फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओके फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सो दिस विल बिकम हंड्रेड

तो लास्ट टू डिजिट फोर्टी फोर यानी यही रिमाइंडर है बट ये माइनस में आया है तो आप क्या करो हंड्रेड माइनस फोर्टी फोर कर दो ओके तो क्या आ जाएगा फिफ्टी सिक्स आ जाएगा तो फिफ्टी सिक्स ही आपकी लास्ट टू डिजिट है या फिफ्टी सिक्स ही आपका रिमाइंडर है ओके फिफ्टी सिक्स आपका रिमाइंडर है आप इस तरीके से कर सकते हो पॉजिटिव ला करके कर सकते हो ओके सो देर आर मल्टीपल मेथड्स अब तो आपको रिमाइंडर थ्योरम आ गया आगे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो तो ये इससे हम क्या कर रहे थे लास्ट टू डिजिट निकाली हंड्रेड से डिवाइड करके ओके नाउ यू नो द ट्रिक अब देखिए एक है डिविजर रूल प्राइम नंबर डिविजर रूल अगर देखिए कोई भी प्राइम नंबर है पी ओके एंड लेट्स से कि कोई नंबर है मान लीजिए 38 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है ओके okay? लेकिन 17 है वो तो प्राइम नंबर है अब 38 टू द पावर 16 है और उसको 17 से डिवाइड किया है तो आपका जो अह रिमाइंडर है वो हमेशा वन आएगा और लेट से 197 डिवाइडेड बाय 17 और 16 उसकी पावर है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा वही आएगा ओके okay, आपका रिमाइंडर अब देखिए स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम्स अब देखिए ये डिनोमिनेटर आप देखो कितना बड़ा है तो इसको क्या है कुछ प्राइम नंबर्स में अगर हम इसको को प्राइम नंबर्स में अगर हम इसको डिवाइड uh, कर लें uh, अब देखिए ये चीज़ है स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम्स अब देखिए डिनोमिनेटर को देखिए ये वन है कितना बड़ा है अगर इसको हम को नंबर्स में डिवाइड कर लें को प्राइम एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो ओके okay? तो अगर उसमें डिवाइड कर ले और फिर हम निकाले तो हम कैसे निकाल सकते हैं रिमाइंडर बिकॉज आप देखिए, दिस लुक्स मतलब इन फैथमेबल की अब ये क्या है ना आप कैलकुलेटर से भी करने जाओगे ना हंड्रेड एंड सेवन की पावर वन फोर 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 तो वो बोल देगा कि इतना तो रेंज ही नहीं है मेरा ओके okay? तो uh, कैसे निकाला जा सकता है इसको तो ये देखिए वन थर्टी में डिवाइड तो तो क्या -क्या so करेंगे तो देखिए सो ऑब्वियसली फोर से आप डिवाइड करेंगे तो फोर थ्री जार ट्वेल्व आपको मिलेगा ओके एंड फोर फोर आपको सिक्सटीन मिलेगा अब देखिए फोर और थर्टी फोर को हम इसके फैक्टर्स नहीं रख सकते क्यों क्योंकि ये कोप्राइन नहीं है को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो तो इसमें तो आप देख रहे हैं कॉमन बिकॉज इज और और ये 4 है तो एक्चुअली आप इसको क्या कर 8 और 17 में कर लीजिए लीजिए में डिवाइड अब ये दो नंबर को प्राइम है ओके सो बेसिकली हमको क्या करना है कि हंड्रेड एंड सेवन टू दावर वन फोर फोर का फैक्टर का रिमाइंडर निकालना है जब वो एट से डिवाइड हो एंड देन हमको देखना है कि हंड्रेड एंड सेवन टू द पावर वन फोर फोर का रिमाइंडर निकालना है जब वो सेवनटीन से उसको डिवाइड किया जाए एंड फाइनली जो कॉमन रिमाइंडर आएगा ओके okay, जो कॉमन रिमाइंडर आएगा उसको हम रिमाइंडर मानेंगे ओके सो स्टे ट्यून्ड और देखिए कि ये किया कैसे जाएगा सो so, देखिए अब क्या आ गया आपका थ्री टू द पावर वन फोर 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 डिवाइडेड बाई एट ओके अब देखिए आगे इसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं ये वन फोर 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 है सो दिस इज एक्चुअली थ्री टू दावर टू एन ओके थ्री टू द पावर टू एन अब देखिए ये जो वन फोर 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 है ओके okay. इसको टू एन लिख सकते हैं ना बिकॉज अगर इसको टू से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेवन ट्वेंटी टू हो जाएगा ओके सो ये एन एक्चुअली सेवन ट्वेंटी टू है हमें इसका खास कोई मतलब नहीं पड़ेगा इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये हो जाता है ओके okay. अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे है क्या कि थ्री टू द पावर टू एन है अभी ये क्या है ना कि ये है थ्री थ्री का आप स्क्वायर करोगे ओके और ये क्या है एम इंटू एन है पावर टू इंटू एन मतलब एम इंटू एन पावर है ओके आ, तो ये वाली पावर है तो एक्चुअली अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या थ्री स्क्वायर टू द पावर एन ओके डिवाइडेड बाई एट सो ये क्या हो जाता है नाइन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एट तो यहाँ पे आप नाइन को एट से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा एंड वन रेज टू द पावर है ना आपका रिमाइंडर क्या आएगा वन ही आएगा सो देखिए यहाँ पे आपको जब आप हंड्रेड एंड सेवन को एट से डिवाइड करते हो रेज टू दिस पावर तो आपका रिमाइंडर वन आ जाता है ओके पहली बात तो इसका रिमाइंडर हमको वन मिल गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं पूरा ओके सो आ, मैंने कहा कि अगर ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है ये ए इज इक्व फाइव है पी इज इक्स टू सेवनटीन है बट ये पी माइनस वन नहीं है वन फोर 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 तो हम इसको पी माइनस वन के फॉर्म में बना लेते हैं ओके ताकि हमारा नंबर सिंप्लीफाई हो जाए तो देखिए एक्चुअली अगर ये ऐसा होता फाइव टू द पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सेवेंटीन तो हम बेधड़क कह देते कि हमारा रिमाइंडर वन है लेकिन ये फाइव टू द पावर वन फोर फोर है ओके तो आप देखिए यहाँ पे क्या है अगर आपको याद हो कि आ, हमने लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे तो ट्वेल्व का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है ओके सो दिस नंबर इज लाइक वन फोर फोर जीरो हो जाएगा ओके okay. हो जाएगा अब आप देखिए क्या मैं इसको सिक्सटीन के मल्टीपल के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रही हूँ ओके बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 16 चाहिए या सिक्सटीन का कोई मल्टीपल हो जाए तो मुझे रिमाइंडर वन मिल जाएगा ओके okay, सो so ये वन फोर फोर जीरो जो वन फोर फोर जीरो मल्टीपल है ओके क्यों क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना दिस आल्सो कंटेन फोर दिस आल्सो कंटेन्स फोर ओके सो दिस इज बेसिकली सिक्सटीन इंटू ये क्या हो जाएगा थ्री ओके एंड ये क्या हो जाएगा दिस इज वन ट्वेंटी तो आई थिंक दिस विल बी थर्टी ओके सो so, ये आपका हो जाएगा बट देखिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको बस इतना पता लगाना है कि ये जो हमारा 1440 है ना दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 16 ओके okay? दिस 1440 इज अ मल्टीपल ऑफ 16 तो पता लग गया ठीक है ना तो अब देखिए ये जो नंबर है 5 टू द पावर 1440 प्लस uh, इसको 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि असली नंबर तो हमारा 1444 प्लस uh, 4 है नाउ दिस इज दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 17 ओके okay? ना अब आप देखिए ये क्योंकि 16 एन के फॉर्म में है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 16 तो इसका रिमाइंडर तो वन हो जाता है बचा हमारा क्या बचेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में बिकॉज़ ये 5 टू द पावर इतना है तो बचा हमारा 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 17 अब देख सो ओके वी गेट दिस हमने uh, कहाँ तक आ गए हम कि 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 17 से हमारा रिमाइंडर मिलेगा ओके okay. तो फाइव टू द पावर फोर को हम ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव लिख सकते हैं नाउ यू नो कि 17 को आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर एट आएगा एंड ये ट्वेंटी फाइव को आप सेवनटीन से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर एट आएगा बचता है आपका क्या दिस इज एट एट टाइम्स सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई सेवनटीन एंड आई नो कि 17 इंटू फोर क्या होता है सिक्सटी एट होता है तो यहाँ रिमाइंडर मेरा माइनस फोर हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा क्या बचा थर्टीन बचा ओके okay. तो जब मैंने सेवनटीन से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन क्या था आई थिंक हंड्रेड एंड सेवन टू पावर वन फोर 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 को वन थर्टी सिक्स से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर क्या आएगा ओके okay. तो देखिए जब हमने ये नंबर को हंड्रेड एंड सेवन टू दावर एट हंड्रेड एंड सेवन टू दावर वन फोर 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 को एट से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर वन आ रहा था जब हमने हंड्रेड एंड सेवन टू द पावर दिस को सेवनटीन से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है थर्टीन आ रहा है तो अब एक्चुअली हमारा रिमाइंडर है क्या ओके okay. अब देखिए uh, हमको एक नंबर चाहिए बिकॉज ये वन थर्टी सिक्स है तो वन थर्टी सिक्स के नीचे एक नंबर चाहिए जो हमारा क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है uh, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है क्या कि वो सेवनटीन एन प्लस थर्टीन भी हो या फिर एट एन प्लस वन भी हो ओके ए टेन प्लस वन भी हो बिकॉज देखिए ये एक्चुअली वही तो नंबर है ओके okay. क्या कि आ, आपका ये जो नंबर है ओके okay, तो हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि वन थर्टी सिक्स से नीचे एक नंबर चाहिए क्योंकि जो भी रिमाइंडर होगा वो 136 से तो कम ही होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि जो भी रिमाइंडर होता है तो आप जो आपका जो डिवाइजर होता है उससे वो हमेशा कम ही होता है ओके सो वन थर्टी सिक्स से हमेशा कम नंबर हमको रिमाइंडर चाहिए ओके तो देखिए अगर सेवनटीन एन प्लस थर्टीन को कोई नंबर सेटिस्फाई कर जाए और एट एन प्लस वन कोई नंबर सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारा नंबर हो जाता है ओके तो अगर देखिए हम सेवेंटीन एन प्लस थर्टीन की बात करें तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल सकता है uh, हमको क्या क्या मिल सकते हैं हमको थर्टीन मिल सकता है अगर हम वन पुट करें तो थर्टी मिल सकता है हम टू पुट करें यहाँ पे तो हमें फोर्टी सेवन मिलेगा थ्री पुट करेंगे तो सिक्सटी फोर मिलेगा और फोर पुट करेंगे तो हमें एट्टी वन भी मिल जाएगा ओके okay. सो so, ये नंबर हमको यहाँ पे मिल सकते हैं एट एन की बात करें ओके okay. ए टेन पे आपको एट्टी वन या सिक्सटी फोर या ये सब कम मिल सकते हैं तो देखिए अगर n इक्वल टू टेन पुट करेंगे तो एट्टी वन मिल जाएगा तो देखिए एट्टी वन एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सैटिस्फाई करेगा आप इसके आगे भी नंबर चेक कर सकते हैं बट लेकिन वो क्या है ना आगे जाकर के वन थर्टी सिक्स से आगे के हो जाएंगे तो वो आपका प्रॉपेबल रिमाइंडर नहीं होगा ये तो हमारा रिमाइंडर हो ही गया ओके सो एट्टी वन हमारा रिमाइंडर आया देखिए प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट अगर सॉल्व करने आया तो ये तो करना ही पड़ेगा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा ओके सो किया क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चन था हंड्रेड एंड सेवन टू द पावर वन फोर 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 को आ, हमें डिवाइड करना था वन थर्टी सिक्स से तो हमने इसको को प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया सेवनटीन और एट में सेवेंटीन के साथ इसका रिमाइंडर निकाला एट के साथ इसका रिमाइंडर निकाला और जो रिमाइंडर आया वही हमारा आंसर हो गया ओके uh, okay. चलिए अब देखते हैं यूनिट डिजिट के बारे में तो यूनिट डिजिट इज टू अ पावर अब देखिए है इट इज टू द पावर ओके okay. अब इसके अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी तो अगर आप देखिए इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट बाय द कैलकुलेटर आल्सो ना तो वो एरर दिखा देगा बिकॉज वो इतना नंबर लंबा नंबर मल्टीप्लाई ही नहीं करता है ओके okay. अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है मेथड क्या है कि आप ये नोट कर लीजिए कि आपको जिस भी नंबर को एक्सपैंड करना है उसकी यूनिट डिजिट क्या है तो इसकी यूनिट डिजिट थ्री है ओके okay. अब देखिए ये जो नंबर है जिस वैल्यू को ये जिस पावर को रेज किया गया है ये किस फॉर्म में है तो देखिए अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हो ओके okay. तो उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर होगा वो या तो फोर एन होगा या फोर एन प्लस वन होगा या फोर एंड प्लस टू होगा या फोर एंड प्लस थ्री होगा दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं ओके okay. सो so, ये हंड्रेड एंड वन एक्चुअली है क्या हंड्रेड एंड वन इज एक्चुअली फोर एंड प्लस वन ओके हंड्रेड एंड वन इज एक्चुअली फोर प्लस वन तो आपकी इस टर्म की वन टू सेवन थ्री रेज टू दावर वन जीरो थ्री ही हो जाएगी अब ये कैसे ओके okay, तो लेट्स लुक एट दिस टेबल टेबल ओके इस को आप ध्यान से देखिए so, देखिए सो अगर आपका कोई भी नंबर है वो इन इन डिजिट्स पे एंड कर रहा है कोई नंबर है वन पे टू पे थ्री पे फोर पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इन्हीं नंबर पे एंड कर सकता है ओके okay, जीरो पे एंड कर रहा है तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट जीरो ही होगी है ना सो so, और अगर उसको हम किसी भी पावर पे रेस करते हैं और वो पावर फोर एन प्लस वन के फॉर्म में, में हो या फोर एन प्लस टू के फॉर्म में हो या फोर एन प्लस थ्री के फॉर्म में हो या फोर एन के फॉर्म में हो सकती है ओके बिकॉज दुनिया का कोई भी इंटीजर फोर एन प्लस टू प्लस थ्री या फोर एन के फॉर्म में होगा इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं हो सकता ओके okay, सो so ये चीज है तो अगर देखिए आपका वन पे नंबर एंड कर रहा है और आपका पावर अगर फोर एन प्लस वन के फॉर्म में है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी वन ही होगी अगर आपका वन पे नंबर एंड कर रहा है और आपका पावर फोर एन प्लस टू के फॉर्म में तो भी वन ही यूनिट डिजिट होगी अगर आपका नंबर वन पे एंड कर रहा और फोर एन प्लस थ्री के फॉर्म में है आपका पावर तो आपकी जो यूनिट डिजिट होगी तब भी वन होगी और अगर आपका नंबर वन पे एंड कर रहा है और आपकी पावर फोर एन के फॉर्म में है तब भी आपकी यूनिट डिजिट वन पे ही एंड होगी ओके तो यूनिट डिजिट के साथ एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी यूनिट डिजिट वन है ओके तो वन टू वन रेज टू द पावर लेट्स से एनी थिंग थ्री नाइन तो इसके देखिए यूनिट डिजिट वन ही होगी क्योंकि वन अगर आपकी यूनिट डिजिट है तो आपकी यूनिट डिजिट वन ही होगी लेट्स कम टू ओके अब देखिए ये वन ट्वेंटी टू को लेट्स okay, अब देखिये हंड्रेड एंड सिक्सटीन है तो आपको पता है ये नंबर फोर एन के फॉर्म में क्यों क्योंकि ये हंड्रेड एंड सिक्सटीन है ओके एंड दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर लास्ट टू नंबर सो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय फोर तो ये नंबर फोर एंड के फॉर्म में है अब ये देखिए ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू को हमने हंड्रेड एंड सिक्सटीन के पावर पे रेस किया है और पावर फोर एंड के फॉर्म में है तो क्योंकि यूनिट डिजिट टू है तो आपका जो आ, मतलब ये एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट क्या होगा सिक्स होगा ओके okay? सिक्स होगा ठीक है ना बिकॉज ये नंबर क्या है फोर के फॉर्म में है ओके okay. अगर ये नंबर लेट्स से 122 ट्वेंटी टू द टू दावर हंड्रेड एंड सेवनटीन हो जाता तो ये फोर एंड प्लस वन का फॉर्म है तो आपकी यूनिट डिजिट टू ही हो जाती अगर ये नंबर 122 पावर हंड्रेड एंड एटीन हो जाता ये क्या है फोर एंड प्लस टू के फॉर्म में आपकी यूनिट डिजिट फोर हो जाती ओके okay. एंड अगर फोर एंड प्लस थ्री के फॉर्म में तो आपकी यूनिट डिजिट ये वन ट्वेंटी टू टू दावर हंड्रेड एंड नाइनटीन है तो आपकी यूनिट डिजिट तो क्या हो जाती एट हो जाती okay. तो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया हो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर किसी और डिजिट को लेकर करके तो हमने लेट्स से 293 ले लिया ओके okay, एंड हमने ले लिया अ uh, 136 लेट्स से ओके तो हमने ये 293 नंबर ले लिया इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3 ये 136 ले लिया दिस टू नंबर आर डिविजिबल बाय 4 सो दैट मींस ये नंबर 4n के फॉर्म में है फोर अगर आपका यूनिट डिजिट थ्री है और आपका पावर फोर एन के फॉर्म में है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो आपको कोई पूछे कि टू नाइनटी थ्री टू द पावर वन थर्टी सिक्स की यूनिट डिजिट क्या है वो वन है ओके okay, वो वन है अब देखिए ये आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई विल टेल यू द लॉजिक ऑफ दिस है ना ये टेबल का मैं आपको लॉजिक बता दूंगी बट स्टिल ओके तो चलिए अब देखिए मुझे लगता है कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा अब देखिए क्योंकि हमें ये टेबल रट के ना जाना पड़े एग्जाम में तो इस टेबल का लॉजिक ही समझ लेते हैं ओके देखिए क्या है पहले तो इस टेबल में आप देखिए ये वन को आप फाइव को देख लीजिए और आप सिक्स को देख लीजिए ओके तो देखिए अगर वन है आपकी यूनिट डिजिट और आप उसको किसी भी पावर पे रेस करते हो तो भी आपको आपकी यूनिट डिजिट वन ही मिलेगी ये आप क्या फाइव के साथ भी है कि आपका यूनिट डिजिट अगर फाइव है और आप उसको किसी भी पावर पे इरेज करते हो तो आपको आपकी यूनिट डिजिट फाइव ही मिलेगी और अगर आपकी यूनिट डिजिट सिक्स है ओके एक्स एक्स और आपको सिक्स है और एनी पावर इट इज गिवन ओके फोर एन प्लस वन टू थ्री फोर कुछ भी पावर है आपकी तो आपकी यूनिट डिजिट सिक्स होगी ओके okay, तो अगर कोई नंबर वन फाइव सिक्स में एंड करता है और उसको हम किसी भी पावर पे चढ़ा देते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट हमको मिलेगी इतनी बात याद रख लीजिए ओके लेट्स टू दिस अब देखिए क्या है कि अगर आपको फोर एंड प्लस वन के फॉर्म में आपका नंबर है ठीक है ना तो टू आपकी यूनिट डिजिट है और आपका फोर एंड प्लस वन के फॉर्म में नंबर है तो आपका क्या आ जाएगा टू ओके आ, अब देखिए अगर आपका फोर एंड प्लस टू के फॉर्म में नंबर है तो आप क्या करिए टू इंटू टू फोर कर लीजिए फोर आ गई आपकी यूनिट डिजिट अगर आपका नंबर फोर एंड प्लस थ्री के फॉर्म में फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपकी एट आ गई और आ, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सिक्सटीन आती है आपकी नंबर बट क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो सिक्स ही आ जाएगी ओके okay, सिक्स ही आ जाएगी फाइन तो बेसिकली आपको क्या करना है जो भी आपकी यूनिट डिजिट है ओके okay, और जो भी आपका पावर है लोग तो लेट से आपका पावर क्या है फोर एन प्लस वन के फॉर्म में आपकी ये टू यूनिट डिजिट है सो so, को आप क्या करेंगे अगर वन है तो टू इन टू वन ही रखिए तो टू हो जाएगा ओके okay. अगर आपकी यूनिट डिजिट अगर आपका पावर फोर एन प्लस टू के फॉर्म में ओके तो आप क्या आपको क्या करना है टू इंटू टू कर लीजिए तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी ओके okay. और अगर आपकी यूनिट डिजिट टू है आपका पावर के फॉर्म में है 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 ओके सो बेसिकली आपको क्या करना है? Actually, 2 का भी करना एक्चुअली का तो आपकी यूनिट डिजिट एट आ जाएगी एंड देन आपकी 2, अगर आपकी फोर एंड के फॉर्म में है तो आपको टू टू पावर फोर करना है तो आपकी सिक्सटीन आती है नंबर बट क्योंकि यूनिट डिजिट डिफाइन करना है तो आपको सिक्सटीन मिल जाएगी ओके okay. तो ये भी रटने की कोई भी जरूरत नहीं है देन थ्री की बात कर लेते हैं तो फोर एन प्लस वन के फॉर्म में है आपकी पावर ओके सो एक्स एक्स थ्री लेट से एंड आपकी पावर है plus 1 के फॉर्म में तो थ्री टू द पावर वन करेंगे आपकी यूनिट डिजिट क्या जाएगी? 3 आ जाएगी थ्री आ जाएगी ओके फोर एंड प्लस टू के फॉर्म में आपकी पावर सो थ्री टू द पावर टू कर लीजिए आपकी यूनिट डिजिट नाइन आ जाएगी फोर एंड प्लस थ्री के फॉर्म में आपका पावर थ्री टू द पावर थ्री कर लीजिए नंबर आपका ट्वेंटी सेवन मिलता है बट यूनिट डिजिट ही चाहिए तो वो सेवन आ जाएगी और थ्री टू द पावर फोर कर लीजिए तो नंबर आपका एट्टी वन बनता है बट वन यूनिट डिजिट ही चाहिए तो आपकी यूनिट डिजिट वन आ जाएगी ओके सो बस आपको करना क्या है यूनिट डिजिट देखिए ओके यूनिट डिजिट देखिए कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट क्या है ओके उसकी यूनिट डिजिट क्या है फिर आप देखिए कि पावर किस फॉर्म में है ओके अब अगर देखिए ये एट का क्यूब है ओके एट का क्यूब है तो एट का क्यूब कर लीजिए तो क्या होता है एट का क्यूब एट एट सिक्सटी फोर एंड अगर आप उसको एट से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट मीन्स ये थर्टी टू आएगा अब देखिए मैं तो इसके आगे मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अब कुछ लेना देना ही नहीं है बिकॉज ये फाइव हंड्रेड ट्वेल्व भी आया तो मेरी यूनिट डिजिट तो टू ही आएगी ओके यूनिट डिजिट तो टू ही आएगी तो मुझे ये रटने की भी जरूरत नहीं है मुझे बस क्या करना है कि अपना पावर लेना है ओके okay, अपना पा, अपना पावर लेना है नंबर देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है उसको फोर एन प्लस वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है पावर को और इस नंबर पे यूनिट डिजिट का पावर चढ़ा देना है और जो भी उसकी यूनिट डिजिट आती है या तो वो सिंगल नंबर होगा ट्रिपल नंबर भी आ जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है मेरी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी वो आ जाएगी ओके okay, तो अगर लेट से मैं अब देखिए क्या है नाइन 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 को लेट से हमें नाइन नाइनटी नाइन इसमें निकालना है कि इसको हम इस इस पावर पर चढ़ाएंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? ओके तो अब देखिए क्या है हमारी यहाँ तो यूनिट डिजिट नाइन है अब ये फोर एन प्लस वन के फॉर्म में है ओके फोर एन के वन फोर एन प्लस वन के फॉर्म में है तो निकाल लेते हैं कि क्या होगा ओके सो तो ये नाइन नाइनटी नाइन है अब देखिए इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि फोर एंड प्लस वन है प्लस टू प्लस थ्री है क्या है बिकॉज ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री क्या है रिमाइंडर ही तो है ओके okay. अब देखिए इसको पूरा भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बस रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा ओके okay. तो अब देखिए रिमाइंडर निकाला तो क्या आएगा इसको नाइन इंटू वन 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 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय फोर अब आप देखिए नाइन को आप फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका वन आएगा हंड्रेड एंड इलेवन को आप फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा आएगा मेरे लिए हंड्रेड एंड ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई फोर तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया मैंने तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया माइनस वन आ गया इसका मतलब मेरा रिमाइंडर थ्री है नाइन को मैं थ्री की पावर पे चढ़ा देती हूँ तो नंबर क्या आ जाता है सी uh, नाइन

सो so, uh, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ओके okay, आप न आपका क्या है थ्री सिक्स सिक्स है ओके एंड लेट से कि आपकी पावर भी थ्री सिक्स सिक्स है तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं है सिक्स ही आपकी होगी क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिक्स है तो सिक्स ही आता है ओके लेट से हम थ्री सिक्स सेवन करते हैं और आपकी ये क्या है थ्री सिक्स सिक्स है ओके okay, ये क्या है थ्री सिक्स सिक्स है अब इसका रिमाइंडर निकालते हैं ओके okay, सो so वैसे तो देखिए इसका रिमाइंडर सॉरी इसका यूनिट डिजिट जो है वो नाइन आएगा तो लेट से लेट सी कैसे आ जाएगा ये थ्री सिक्स सिक्स है डिवाइडेड बाय हमको फोर करना है डर okay, so so है तो ये फोर एंड प्लस टू के फॉर्म में है अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिल जाती है 9 मिल जाती है सो दिस बिकम सो इजी ओके यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन तो मतलब इतना ईजी है ठीक है ना कि इससे कुछ हो नहीं सकता क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं नंबर सिस्टम का पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नंबर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा कि पास्ट ईयर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं ये सारी चीजें एप्लीकेशन में है और राइट सो दिस इज हाउ वी डू दिस ओके सो नाउ आई थिंक आप लोग किसी भी यूनिट डिजिट को निकाल लोगे ओके uh, okay. तो देखिए यहाँ पे लेकिन एक चीज है अगर आप वन टू सेवन थ्री टू द पावर वन ट्वेंटी टू करते हो ओके टू द आप वन ट्वेंटी टू करते हो तो आपकी यूनिट डिजिट के क्या है ओके तो okay. अब ये थ्री क्या है थ्री इज द यूनिट डिजिट एंड नंबर इज इन दोर एंड प्लस टू तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाती है नाइन आ जाती है ओके okay. बट देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि वन टू सेवन थ्री ये क्या है 122 के फैक्टोरियल के फॉर्म में है फैक्टोरियल 122 तो अब देखिए जो फैक्टोरियल 122 है ये जो नंबर है एक्चुअली फोर एंड के फॉर्म में है कैसे सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम तो अब देखिए ये क्वेश्चन है 43 टू द पावर 197 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 7 और अब इसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालना है ओके okay? तो आप देखिए ये जो है हम किस फॉर्म में बना सकते हैं ए एक्स प्लस वन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में भी कर सकते हैं या ए टू दावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी के फॉर्म में भी कर सकते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म में एक्चुअली कर कैसे सकते हैं बिकॉज अगर आप यहाँ पे ए ए लोगे तो ए इज इक्वल्स टू सेवन एक्स अगर आप सिक्स रख लोगे तो ए एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा फोर्टी थ्री आ जाएगा और वही ये दिया हुआ है पावर वन नाइन सेवन डिवाइडेड बाई सेवन तो रिमाइंडर क्या आ जाता है वन आ जाता है है यहाँ पे ओके okay. ये एक मेथड इसको करने का अब आपको पता है सेवन प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है ए टू द पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी का रिमाइंडर वन होता है ओके okay. अब यहाँ पे ए क्या है पी माइनस वन जो है Uh, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है तो हमें ए से कोई खास मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे सो so, 43 है अब ये पी माइनस वन के फॉर्म में 197 को कैसे लिखे ऑबली आप क्या करिए क्योंकि पी माइनस वन क्या होगा सिक्स तो हमको इसको सिक्स एन के फॉर्म में बनाना है तो सिक्स से डिवाइड करेंगे सो so, ये 197 है 197 को आप सिक्स से डिवाइड करिएगा आपको क्या मिलेगा सो बेसिकली सिक्स थ्री टाइम्स इज एटीन ओके एंड देन दिस इज सेवेंटीन ओके एंड देन दिस इज सेवेंटीन एंड देखिए यहाँ पे क्या होगा ना सिक्स टू टाइम्स ट्वेल्व मिल जाएगा सो so, क्या कर सकते आप आ, ये हो गया फाइव आपका रिमाइंडर आ गया सो so, बेसिकली हो रहा क्या है सिक्स इंटू थर्टी टू प्लस फाइव के फॉर्मेट में है ये सिक्स इंटू थर्टी टू प्लस फाइव के फॉर्मेट में ओके okay. और डिवाइडेड बाय सेवन अब देखिए इसको ये क्योंकि प्लस फाइव के फॉर्मेट में है तो हम इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फोर्टी थ्री प्लस फाइव सो ये एक्चुअली फॉर्मेट क्या हो गया फोर्टी थ्री इनटू टू द पावर सिक्स एंड प्लस फाइव डिवाइडेड बाई सेवन तो इतने का तो रिमाइंडर देखिए वन आ जाता है बचा क्या फोर्टी थ्री टू द पावर फाइव अब देखिए इसकी जगह मैं बोलती हूँ कि आप प्लस फाइव लिखने की जगह का ले लीजिए ओके बिकॉज क्या है ना अगर प्लस 5 है तो इसका मतलब वन ओके सो माइनस वन का ले लेते हैं तो ये जो है फोर्टी थ्री सिक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन ओके सो दिस मच इज इक्वल्स टू वन अब ये क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन ओके और ये क्या हो जाएगा सेवन इंटू फोर्टी थ्री और आप सेवन इंटू फोर्टी थ्री को वन से डिवाइड को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर वन ही आएगा ओके सो देन ऑल्सो योर रिमाइंडर कम्स वन तो देखिए दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं बट देखिए जहां पे भी जो फॉर्मूला आसान रहेगा उसको अप्लाई करेंगे तो वहां से तो डायरेक्टली आ जाता है ओके okay. अब आप देखिए ये फिफ्टी वन 203 7. अब देखिए क्या ये के फॉर्म 7 7 49, 49 okay. किया जा सकता है आप खुद देख लीजिएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है सो फिफ्टी वन को आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो आपको टू रिमाइंडर मिलेगा वाई बिकॉज फोर्टी नाइन 51 minus 49 आपको 2 मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा ठीक है ना सो so, 2 टू द पावर 203 डिवाइडेड बाय 7 अब आपको इस, इसका रिमाइंडर निकालना है बेसिकली ओके okay. तो अगर देखें अगर आप 8 को ax plus 1 के फॉर्म में करना चाहते हैं तो uh, 7 के लिए ax plus 1 क्या होएगा 8 होएगा ओके okay. 8 होएगा बिकॉज़ 7 into 1 plus 8 तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं ओके okay, तो एट के फॉर्मेट के लिए हमको थ्री उसकी जरूरत है फाइन तो अभी देखिए ये टू जीरो थ्री अगर हम टू जीरो सो टू टू पावर टू जीरो प्लस टू इसको लिख लीजिए सो टू टू द जीरो टू जीरो थ्री एन फाइन तो अब ये जो बचा हुआ टू है उसको टू स्क्वायर लिख लीजिए और सेवन लिख लीजिए अब ये क्या होगा एट टू द पावर एन डिवाइडेड बाय सेवन एंड मल्टीप्लाइड बाय फोर फोर ओके तो अब ये क्या होगा इसका रिमाइंडर वन आ जाएगा और आपका टोटल रिमाइंडर क्या जाएगा? 4 आ जाएगा फोर आ जाएगा ओके सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ट्वेंटी वन टू दावर एट सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी ओके

तो अगर ये 875 को हम 16n के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा ओके okay. तो 16n के फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सो so, देखिए आप 800 हंड्रेड को लीजिए तो 800 हंड्रेड इज डेफिनेटली आपका क्या आएगा इट विल बी अ फैक्टर ऑफ 16 बिकॉज 16 इंटू फाइव इज एटी सिक्स फाइव इज आर थर्टी एंड दिस एट सो 16 इंटू फिफ्टी इज 800 ठीक है 800 हो गया अब देखिए ये एट सेवेंटी फाइव है ओके एंड सिक्सटीन फोर आर एज एट सिक्सटी फोर सॉरी सिक्सटी फोर ओके चलिए तो आ, अब देखिए क्या आता है आपका ये एट सिक्सटी फोर आ जाता है ओके सो सिक्सटीन एम का जो मल्टीपल है वो क्या है ये एट सिक्सटी फोर हो जाएगा फाइन तो आप देखिए फोर टू दावर एट सिक्सटी फोर और आपका सेवेंटी फाइव होने में कितना बच गया ओके okay, 75 होने में देखिए आपका 11 बच गया डिवाइडेड बाय 17 अब ये क्या है क्योंकि ये 16 एन के फॉर्म में है तो ये तो 1 हो जाएगा बचा क्या आपका 4 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 17 ओके okay, अब देखिए ये जो 4 टू द पावर 11 है इसका क्या किया जा सकता है सो यू ऑब्वियसली नो 4 स्क्वायर इज 16 So, ये -1 के फॉर्म में हो जाएगा ओके okay. तो हमें क्या करना है इसके स्क्वायर चाहिए ना तो फोर को फोर टू पावर इलेवन को फोर टू पावर टेन प्लस ले लें सो दिस बिकम्स कि फोर का स्क्वायर टू द पावर फाइव इन टू फोर डिवाइडेड बाई सेवेंटीन ओके एंड देखिए ये जब आप करेंगे ठीक है ना फोर स्क्वायर टू द पावर फाइव ओके डिवाइडेड बाई सेवेंटीन तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सेवेंटीन करेंगे रिमाइंडर माइनस वन आता है माइनस वन फाइव टाइम्स करेंगे तो रिमाइंडर माइनस वन आता है इंटू फोर कर लीजिए डिवाइडेड बाई सेवेंटीन तो माइनस फोर रिमाइंडर आ जाएगा माइनस फोर रिमाइंडर आया है तो मतलब आपका थर्टीन रिमाइंडर है ओके okay, आपका कितना रिमाइंडर है थर्टीन रिमाइंडर है अगर आप इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से भी करना चाह रहे हैं ना स्टिल यू विल गेट द सेम बाय बिकॉज अगर आप इसको माइनस वन नहीं मानते तो आपको सिक्सटीन मानना पड़ेगा रिमाइंडर को सिक्सटीन फोर आर इज वॉट सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को आप सेवेंटीन से डिवाइड करेंगे तो अब भी देखिए बिकॉज सेवेंटीन इंटू फोर इज सिक्सटी एट तो माइनस फोर आपका रिमाइंडर आता है सेवेंटीन माइनस फोर करेंगे तो आपका थर्टीन आ जाएगा ओके सो एनी हाउ ये आपका रिमाइंडर आ जाता है सो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर्स सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो